छोटी सी दुनिया है क्रिकेट की, 22 प्लेयर, 2 कोच, 3 अंपायर, कोई ना कोई तो दोस्त बन ही जाता है। बात है फरवरी 1995 की। मुंबई में अंडरवर्ल्ड अपने एक्सट्रीम पर था। उस टाइम मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी थे राकेश मारिया। 15 फरवरी 1995 मुंबई क्राइम ब्रांच को इन्फॉर्मेशन मिली कि मुंबई के डांस बार में एक बंदा आया है जो बहुत पैसे उड़ा रहा है और दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम के लिए काम करता है। क्राइम ब्रांच ने उसको पकड़कर इंटरोगेट किया तो उसने बोला, सर मैं पैसा मैच फिक्सिंग से कमाता हूँ। राकेश मारिया ने यह वर्ड पहली बार सुना था। उस बंदे ने बोला कि कल यानी 16 फरवरी को इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच है और कल का मैच फिक्स होगा। मैच के पहले आउटर मुंबई में एक फोन बूथ है, वहीं से मैच फिक्स होगा। नेक्स्ट डे राकेश मारिया की टीम उस बुकी के साथ उस बूथ पर पहुंची और यहां राकेश मारिया अपने टीवी के सामने बैठ गए। राकेश मारिया ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि मैच फिक्स भी हो सकता है, क्योंकि वो खुद क्रिकेट के बहुत बड़े फैन थे। उनकी टीम ने उन्हें कॉल करा और बोला कि सर, इस बुकी और इसके साथियों ने ये डिसाइड किया है कि इंडिया ये मैच हारेगा। राकेश मारिया ने फोन रख दिया और मैच देखना शुरू किया। सचिन तेंदुलकर और अजय जडेजा ने ओपनिंग करी। 5 ओवर में 20 रन बन चुके थे तभी सचिन के कॉल पर जडेजा रन आउट हो गए। इस मैच में कमेंटेटर्स कह रहे थे कि इंडिया आराम से जीतेगा, पर हुआ ये कि एक के बाद एक विकेट गिरने लगे। फेवरेट मानी जा रही इंडिया की टीम 160 रन पे ऑल आउट हो गई। न्यूजीलैंड ने 32 ओवर्स में टारगेट अचीव कर लिया। राकेश मारिया का दिल बैठ गया। जिस क्रिकेट के वो फैन थे, जिन प्लेयर्स पर उन्हें गर्व होता था, वो फिक्स थे। उस दिन उस मैच से बुकीज ने 43 करोड़ कमाई है। सोचिए 1995 में 43 करोड़ क्या होते होंगे। डिटेलिंग निकाली गई तो पता चला इंडियन क्रिकेट टीम के 3 प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व थे। अब कौन थे वो प्लेयर्स, ये राकेश मारिया ही जानते थे। राकेश मारिया ने इस बंदे को अपना इन्फॉर्मर बना लिया, क्योंकि फिक्सिंग के लिए कोई लॉ नहीं था। अब अगर हम आपसे कहें कि वर्ल्ड कप भी फिक्स हो सकता है, तो 1996 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस श्रीलंका, ये मैच कलकत्ता के ईडन गार्डन्स में था। उस टाइम इंडियन टीम के कैप्टन थे मोहम्मद अजहरुद्दीन। डिसाइड ये हुआ था कि अगर इंडिया ने टॉस जीता तो पहले बैटिंग करी जाएगी, पर सबको चौंकाते हुए जैसे ही इंडिया ने टॉस जीता, अजहरुद्दीन ने फील्डिंग चूज करी। मैच स्टार्ट हुआ और श्रीलंका ने 50 ओवर्स में 251 रन बनाए। इंडिया की बैटिंग स्टार्ट हुई और नवजोत सिंह सिद्धू 3 रन पे आउट हो गए, पर सचिन ने एक साइड से मैच को संभाले रखा। स्कोर हुआ था 22 ओवर्स में 98 रन और 1 विकेट, और फिर एक के बाद एक विकेट्स गिरना शुरू हुए। 120 रन पे 8 विकेट्स गिर चुके थे। स्टेडियम में आए हुए लोग बहुत दुखी थे, दे वर एक्चुअली वेरी सैड। मैच शुरू होने से पहले फेवरेट मानी जा रही टीम इंडिया अब बहुत ही ड्रामेटिक वे में घुटने टेक चुकी थी। फैंस ने ग्राउंड पे बॉटल्स, पत्थर, जो हाथ में आया फेंकना शुरू कर दिया। प्लेयर्स को ये चीज़ें आकर लगने लगी। प्लेयर्स को ग्राउंड के बाहर बुला लिया गया। फैंस ने स्टेडियम में आग लगा दी। थोड़ी देर बाद मैच फिर से स्टार्ट हुआ, पर फिर से क्राउड वायलेंट हो गया और मैच को रोक दिया गया, और इसी के साथ श्रीलंका को विनर डिक्लेयर कर दिया गया। विनोद कांबली रोते हुए फील्ड से वापस आए। कुछ साल बाद विनोद कांबली ने एक शॉकिंग रिवीलेशन किया। मैंने भी कहा कि एक जगह से मैं खड़ा था और सामने मेरे को बैट्समैन आके मेरे जो बोल रहे कि विनोद कांबली ने हम लोग ये रन चेस कर लेंगे और खुद विकेट देकर आउट होके चले जा रहे हैं। 86 का मैच मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकता हूं, क्योंकि ये मैच के बाद मेरा करियर खत्म किया गया। क्या 96 में हुआ ये सेमीफाइनल फिक्स था? इसके बाद आता है टाइटन कप। टाइटन कप का फाइनल था इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 6 नवंबर 1996 को। इस मैच से 2 दिन पहले राकेश मारिया का फोन बजता है। ये फोन था मेहरुनिसा का। मेहरुनिसा मुंबई के डांस बार में काम करती थी और राकेश मारिया की इन्फॉर्मर थी। मेहरुनिसा ने राकेश मारिया से कहा कि साहब, ये जो टाइटन कप का फाइनल मैच है ना, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, इसमें इंडिया जीतेगा। राकेश मारिया चौंक गए कि यार इसको कैसे पता। मेहरुनिसा ने बताया कि साउथ अफ्रीकन टीम का एक बहुत सीनियर प्लेयर मेहरुनिसा के साथ रातें बिता रहा है और ये बातें उसने उसी से सुनी है। मैच शुरू होता है और इंडियन टीम बैटिंग करते हुए सिर्फ 220 रन बनाती है। सबको पता था कि ये स्कोर साउथ अफ्रीका आराम से चेस कर लेगा, पर साउथ अफ्रीका की टीम 45.5 ओवर्स में 185 रन पे ऑल आउट हो जाती है। मेहरुनिसा की बात सही साबित हुई, पर ये सब छोटी छोटी चीजें थी। असली गेम तो अभी आना बाकी था। इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर मनोज प्रभाकर ने आउटलुक मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा 1997 में। इसमें उन्होंने लिखा कि 1994 में पाकिस्तान के अगेंस्ट सिंगर कप का जो मैच हुआ था, उस मैच में इंडिया के एक बड़े प्लेयर ने मुझे अंडर परफॉर्म यानी खराब खेलने के लिए 25 लाख रुपए ऑफर किए थे। इसके अलावा 1991 में शारजा में पाकिस्तान के अगेंस्ट जो मैच हुआ वो भी फिक्स था।
प्रभाकर ने कहा कि शारजा में हुए इस मैच में पाकिस्तान के कैप्टन आमिर सोहेल और इंडिया के कैप्टन अजहरुद्दीन ने फिक्सिंग करी थी। मैगजीन में यह आर्टिकल छपा। बीसीसीआई, आईसीसी और इंडिया में बवाल मच गया। 25 लाख किस प्लेयर ने ऑफर करे थे? ये नाम मनोज प्रभाकर ने किसी को नहीं बताया। बीसीसीआई ने कमेटी बनाई जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने लीड किया और सारे प्लेयर्स को क्लीन चिट दे दी, ये कहकर कि देयर वाज नो फाउल प्ले इन्वॉल्वड, और मनोज प्रभाकर के एलिगेशंस को बेसलेस बोल दिया। मनोज प्रभाकर का करियर हमेशा के लिए खत्म हो गया क्योंकि टीम के प्लेयर्स, बीसीसीआई, आईसीसी सब उनके अगेंस्ट हो गए थे। अभी तक सारे इंडियन प्लेयर्स बचते चले आ रहे थे, किसी का नाम फिक्सिंग में क्लियरली नहीं आ रहा था, लेकिन एक दिन वो हुआ जिसने इंडियन क्रिकेट को हमेशा के लिए बदनाम कर दिया। ईयर 2000, दिल्ली पुलिस ने कुछ कॉल स्टैप करे जिसमें फिक्सिंग से रिलेटेड बात हो रही थी, बात कोड वर्ड में हो रही थी। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो पता चला कि ये आवाज संजय चावला की है जो एक बुकी है। अब ये बुकी इंडिया में जिससे बात कर रहा था वो थे साउथ अफ्रीका के कैप्टन हैंसी क्रोनिया। उस टाइम इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज चल रही थी। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच नागपुर में जो एक वनडे मैच हुआ था वो फिक्स था, जिसके बदले हैंसी क्रोनिया को $4 लाख और एक लेदर जैकेट संजय चावला ने गिफ्ट करी थी। साउथ अफ्रीका के और भी प्लेयर्स का नाम सामने आया जैसे निकी बॉय, पीटर स्ट्राइडम। बीसीसीआई ने यह बात साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड को बताई। 7 अप्रैल 2000 दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बताया कि मैच फिक्सिंग हुई है, केस सीबीआई को दे दिया गया। उधर साउथ अफ्रीका में हैंसी क्रोनिया ने यह मानने से इनकार कर दिया कि उन्होंने फिक्सिंग करी है। साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड ने कमेटी बनाई। हैंसी क्रोनिया इस बात पर अड़े रहे कि नहीं, मैंने फिक्सिंग नहीं करी है। पर 11 अप्रैल 2000 रात को लगभग 2 बजे के आसपास हैंसी क्रोनिया फोन करते हैं साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन अली बकर को और उन्होंने कहा, आई वॉज डिसऑनेस्ट, मैंने फिक्सिंग करी है। क्रोनिया ने नाम बताना शुरू किया और उन्होंने कहा कि मेरे साथ फिक्सिंग में 2 और लोग इन्वॉल्व थे, एक थे इंडियन टीम के कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन और दूसरा पाकिस्तान के प्लेयर सलीम मलिक। हैंसी क्रोनिया ने बताया कि फिक्सर संजय चावला से उनको अजहरुद्दीन ने ही मिलवाया था कानपुर में। सीबीआई केस इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करती है। इंडिया में लोगों का गुस्सा चरम पर था, यहाँ क्रिकेट धर्म है लोगों का। जगह जगह अजहर के पोस्टर्स जलाए जा रहे थे, पूरे कंट्री में प्रोटेस्ट हो रहे थे। अब आपने वो कहावत सुनी है ना, आग में घी डालना, वही हुआ। हुआ ये कि फिक्सिंग वगैरह ये सब अप्रैल 2000 में हो रहा था। अब आपको मनोज प्रभाकर याद है जिनको किसी बड़े प्लेयर ने खराब खेलने के लिए 25 लाख ऑफर किए थे? मनोज प्रभाकर कहते आ रहे थे कि मैं उस इंसान का नाम जानता हूं, पर वो बोले नहीं कभी किसी को। एक दिन मनोज प्रभाकर से मिलने आए आईएस बिंद्रा, बीसीसीआई के फॉर्मर चेयरमैन। उन्होंने बातों बातों में पूछा, हां मनोज बताओ कौन है वो प्लेयर जिसने 25 लाख ऑफर किए तुम्हें? मनोज प्रभाकर ने उनको नाम बता दिया। अब मई 2000 में आईएस बिंद्रा जाते हैं अटलांटा और वहां सीएनएन न्यूज को एक इंटरव्यू में बोलते हैं कि वो प्लेयर जिसने मनोज प्रभाकर को पैसे ऑफर किए वो कोई और नहीं बल्कि कपिल देव है। ये खबर आग की तरह फैल गई, क्रिकेट की दुनिया में बवाल मच गया और उस टाइम कपिल देव इंडिया के कोच थे। कपिल देव ने अगले ही दिन बीबीसी के साथ एक इंटरव्यू किया एंड ही ब्रोक डाउन। लाइफ लाइक दिस, बट समबडी इज स्वेटिंग ब्लड ऑन द ग्राउंड, समबडी कैन जस्ट कम आउट एंड मेक। पर चीजें तो अभी बिगड़ना शुरू हुई थी और अब कुछ ऐसा सामने आने वाला था जिसकी वजह से आज भी क्रिकेट इंडिया में पहले की तरह नहीं देखा जाता। एक नई न्यूज एजेंसी इंडिया में आई, नाम था तहलका। 24 मई 2000 को तहलका ने एक स्टिंग ऑपरेशन दिखाया। ये 8 मिनट का वीडियो था जिसमें इंडिया के प्लेयर ये कहते हुए दिखे कि हाँ मैच फिक्स थे। तहलका के ऑफिस में मनोज प्रभाकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा, जिस शख्स ने मुझे 25 लाख रुपए का ऑफर दिया वो है कपिल देव। तहलका ने फिर 3.5 घंटे के टेप रिलीज किए। मनोज प्रभाकर ने ये टेप्स तहलका के को फाउंडर अनिरुद्ध बहल के साथ मिलकर बनाए थे। वो अपने कपड़ों में पिन होल कैमरा लगाकर इंडिया के अलग अलग प्लेयर्स से मिले और जो फिक्सिंग पास्ट में हो चुकी थी उसके बारे में बात करते थे। इन टेप्स ने आग लगा दी इंडिया में। हर न्यूज चैनल्स पर ये टेप दिखाए जा रहे थे। कपिल देव अपना इन्वॉल्वमेंट डिनाई करते रहे और इस इंसिडेंट के 2 महीने बाद कपिल देव ने कोच की पोस्ट से रिजाइन कर दिया। उन्होंने कहा, मैं इसलिए रिजाइन दे रहा हूं क्योंकि मैं अंदर से परेशान हूं, दुखी हूं, मैंने कोई फिक्सिंग नहीं करी है, आई एम नॉट गिल्टी। इंडिया में क्रिकेट की हालत बेकार हो गई थी, सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। ऐसे में 31 अक्टूबर 2000 को पुलिस पकड़ती है एक और बुकी को जिसका नाम था एम के गुप्ता। उसने बताया कि फिक्सिंग में अजहरुद्दीन, अजय जडेजा, नयन मोंगिया, अजय शर्मा, डॉक्टर अरी रानी जो इंडियन टीम के फिजियो थे और खुद मनोज प्रभाकर इन्वॉल्व हैं। वो मनोज प्रभाकर जो विसिल ब्लोअर थे वो खुद फंस गए।
अजहर पर लाइफ बैन लगा, अजय जडेजा पर 5 साल का बैन, अजय शर्मा पर लाइफ बैन और डॉक्टर अली रानी पर 5 साल का बैन लगा, कपिल देव को क्लीन चिट मिली। तो क्या लगता है, कहानी खत्म? आईपीएल को कैसे छोड़ सकते हैं? 2013 में राकेश मारिया मुंबई में थे और उस टाइम वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल थे एटीएस के। मई 2013 में इंडिया में आईपीएल चल रहा था, राकेश मारिया को इंटेल मिली कि आईपीएल में फिक्सिंग हो रही है। आईसीसी के एलीट पैनल के अंपायर असद रऊफ के फोन से बात हो रही है फिक्सिंग की, पिच, टॉस, प्लेइंग 11, कौन होगा, पहले बैटिंग करें या बॉलिंग, ऐसी बातें बोली जा रही थी। अब ये देखा गया कि बात जिससे हो रही है असद रऊफ की, वो है विंदु दारा सिंह। आपने देखा होगा इनको मूवीज वगैरह में। इन दोनों की बात किसी तीसरे इंसान से भी हो रही थी, उसको ट्रेस किया गया तो वो निकला चेन्नई सुपर किंग्स का मेंटर गुरुनाथ मैयप्पन। राकेश मारिया इस बार एक्शन लेने के मूड में थे, तभी 26 मई 2013 को सुबह लगभग 4 बजे दिल्ली पुलिस की एक टीम आती है मुंबई और राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर एस श्रीसंत, अजीत चंडीला और अंकित चौहान को अरेस्ट करती है। इनके अलावा 23 और बुकीज अरेस्ट होते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली पुलिस बताती है कि अजीत चंडीला ने 5 मई 2013 को पुणे और राजस्थान रॉयल्स के मैच में अपने सेकेंड ओवर में फिक्सिंग करी। 9 मई 2013 को राजस्थान और पंजाब के बीच हुए मैच में श्रीसंत ने अपने पैंट में टाल फंसाकर बुकीज को इशारा करा। 15 मई 2013 को राजस्थान और पंजाब के बीच हुए मैच में अंकित चौहान ने बुकीज के साथ मैच फिक्स किया। विंदु दारा सिंह, गुरुनाथ मैयप्पन को भी अरेस्ट किया गया। ये भी पता चला कि राजस्थान रॉयल्स के मालिक राज कुंद्रा खुद फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के लिए एक कमिटी बनाई विच वॉज हेडेड बाय मुकुल मुद्गल। श्रीसंत, अंकित चौहान और अजीत चंडीला को बैन कर दिया गया। गुरुनाथ मैयप्पन और राज कुंद्रा को भी बैन कर दिया गया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स और सीएसके को आईपीएल से बैन कर दिया गया और असद रऊफ को भी बैन कर दिया गया। आईपीएल के चेयरमैन राजीव शुक्ला ने इस इंसिडेंट के बाद रिजाइन कर दिया। पर श्रीसंत, अंकित चौहान पर बैन अब हट चुका है और आने वाले टाइम में शायद अजीत चंडीला भी फिर से खेल पाएंगे। पर क्या ये सही है? देखिए, असल बात यह है कि हमें पहले सट्टेबाजी यानी बैटिंग और फिक्सिंग के बीच में डिफरेंस समझना होगा। आपने किसी से शर्त लगाई कि ये मैच ये टीम जीतेगी या हारेगी, उस पर आपने पैसे लगाए, तो ये सट्टा है, बेटिंग है, जो इंडिया में इलीगल है। पर आपने उस टीम के किसी खिलाड़ी को फिक्स किया, बुकीज ने जाकर उससे उसका नेचुरल गेम खेलने से रोका, तो वो फिक्सिंग है। इंडिया में सट्टेबाजी यानी बैटिंग के लिए लॉ है, जिसे पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 कहा जाता है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में आर्टिकल 246 की लिस्ट 2 के 34th एंट्री में मेंशनड है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप सट्टेबाजी करते हुए पाए जाते हैं तो वो पनिशेबल ऑफेंस है। पर फिक्सिंग के लिए कोई कॉन्क्रीट लॉ नहीं है अभी इंडिया में। तो क्या सट्टेबाजी या मैच फिक्सिंग खत्म हो गई? नहीं, प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम्स में किसी को एंट्री नहीं दी जाती, पर प्लेयर चाहे तो किसी से भी मिल सकता है, कहीं भी। आजकल तो फिक्सिंग के लिए नए तरीके आ गए, जिसमें मैच को 6 महीने पहले फिक्स किया जाता है और उसका पेमेंट मैच से 6 महीने बाद होता है। एजेंसीज कहां तक ट्रैक करेंगी कि किस प्लेयर ने फिक्सिंग करी? बीसीसीआई को जरूरत है कि वो फिक्सिंग के लिए लॉ बनाए, पनिशमेंट्स बनाए। अब आखिरी सवाल आपसे, क्या आपको कोई मैच देखकर कभी ऐसा लगा कि यार ये मैच तो फिक्स है, इसमें घपला हुआ है? तो ये थी कहानी मैच फिक्सिंग की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को फॉलो कर लें। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और कहानी के साथ। स्टे ट्यून्ड टू द वेलकम फ्लैग।